हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा। यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूं। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहां पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लाइनेक्स एडिटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, लाइनेक्स एडिटर्स जो है वो स्पेशली यूज किए जाते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी भी फाइल को एडिट और मॉडिफाई करने के लिए। जैसे कि ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्चुअल मशीन पे चलता हूँ और टर्मिनल ओपन करते हैं, और ls कमांड के द्वारा अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने मलिक नाम की एक फाइल क्रिएट की हुई है और मलिक फाइल के अंदर मैंने ये कुछ डेटा रखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप मलिक नाम की फाइल के अंदर या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी भी फाइल के अंदर किसी भी टाइप की एडिटिंग मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं, यानी कि लिनक्स एडिटर्स यूज करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी भी फाइल के अंदर एडिटिंग मॉडिफिकेशन करने के लिए। इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक पिक्चर की हेल्प लेता हूँ। देखिए दोस्तों, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग दो टाइप के टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं। फर्स्ट होता है GUI बेस्ड टेक्स्ट एडिटर और सेकंड होता है टर्मिनल बेस्ड टेक्स्ट एडिटर। दोस्तों, जो GUI बेस्ड टेक्स्ट एडिटर होता है उसके द्वारा हम लोग किसी भी फाइल के अंदर ग्राफिकल मोड के द्वारा एडिटिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टर्मिनल बेस्ड टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं तो इनके द्वारा आप किसी भी फाइल के अंदर टर्मिनल के द्वारा यानी कि कमांड लाइन के द्वारा एडिटिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अब अगर आप किसी भी फाइल के अंदर GUI के द्वारा यानी कि ग्राफिकल मोड के द्वारा एडिटिंग मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं GEdit टेक्स्ट एडिटर। ठीक है दोस्तों, अगर आप कमांड के द्वारा या टर्मिनल के द्वारा किसी भी फाइल के अंदर एडिटिंग मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग दो टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं। फर्स्ट होता है VI टेक्स्ट एडिटर और सेकंड होता है Vim टेक्स्ट एडिटर। सिंपल सी लैंग्वेज में दोस्तों, GEdit टेक्स्ट एडिटर जो है ये किसी भी फाइल के अंदर एडिटिंग मॉडिफिकेशन करता है ग्राफिकल के द्वारा। अगर आप किसी भी फाइल के अंदर एडिटिंग मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं कमांड के द्वारा या टर्मिनल के द्वारा तो उसके लिए दोस्तों हम लोग VI टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं या फिर Vim टेक्स्ट एडिटर। अब बात आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, VI टेक्स्ट एडिटर और Vim टेक्स्ट एडिटर के अंदर जो डिफरेंस है वो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि VI टेक्स्ट एडिटर के द्वारा जब भी आप किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो उसके जो कंटेंट है वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट शो होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर आया, और दोस्तों हमारी मशीन के अंदर रूट पार्टीशन के अंदर etc डायरेक्टरी के अंदर एक passwd फाइल है। ठीक है, अब अगर आप इस फाइल के अंदर एडिटिंग मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर VI टेक्स्ट एडिटर यूज करता हूँ, ठीक है, तो VI स्पेस फाइल का पाथ टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा तो आप देख सकते हैं इस फाइल के जो कंटेंट है वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर में शो हो रहे हैं। इसी तरह अगर यही फाइल दोस्तों मैं Vim टेक्स्ट एडिटर के द्वारा ओपन करता हूं, देख रहे हैं, टाइप करके जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो इस फाइल के जो कंटेंट है वो आपको कलरफुल शो होंगे। मैं क्विट कर देता हूं,
वापस हम लोग पिक्चर पर ही चलते हैं। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीआई और विम टेक्स्ट एडिटर के बीच में डिफरेंस को। दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट डिफरेंस अभी हम लोगों ने देखा कि वीआई टेक्स्ट एडिटर के द्वारा जब भी आप किसी भी फाइल के अंदर एडिटिंग मॉडिफिकेशन करने के लिए ओपन करते हैं, तो उस फाइल के जो कंटेंट है वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में डिस्प्ले होते हैं। लेकिन विम टेक्स्ट एडिटर के द्वारा जब आप किसी भी फाइल के अंदर एडिटिंग मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उस फाइल के जो कंटेंट है वो आपको कलरफुल शो होते हैं। सेकेंड डिफरेंस जो है दोस्तों, जब भी आप वीआई टेक्स्ट एडिटर के द्वारा किसी भी फाइल के अंदर एडिटिंग मॉडिफिकेशन करेंगे, तो वीआई टेक्स्ट एडिटर जो है उस फाइल के अंदर किसी भी टाइप की स्पेलिंग चेकिंग प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, जब हम लोग वीआई टेक्स्ट एडिटर के द्वारा किसी भी फाइल के अंदर एडिटिंग मॉडिफिकेशन करते हैं, तो विम टेक्स्ट एडिटर जो है वो उस फाइल के अंदर स्पेलिंग चेकिंग भी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, ये हम लोग दो टाइप के टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं, जीयूआई बेस्ड टेक्स्ट एडिटर और टर्मिनल बेस्ड टेक्स्ट एडिटर। जीयूआई बेस्ड टेक्स्ट एडिटर होता है जीएडिट टेक्स्ट एडिटर, और टर्मिनल बेस्ड टेक्स्ट एडिटर होते हैं वीआई एंड विम टेक्स्ट एडिटर। तो दोस्तों, अभी मैं आपके सामने यहां पर जी एडिट टेक्स्ट एडिटर को यूज करके दिखाऊंगा कि अगर आप किसी भी फाइल के अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं जी एडिट टेक्स्ट एडिटर के द्वारा, तो वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं वापस अपनी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर आता हूं। अब मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर मैं एक कैट कमांड के द्वारा नई फाइल क्रिएट करता हूं। जैसे कि मैं एक विशु नाम की फाइल क्रिएट करता हूं, और इस फाइल के अंदर मैं कुछ डेटा ऐड कर देता हूँ। दोस्तों, डेटा जो है ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, थोड़ा माइंड मत करना, जस्ट सेव किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक विशु नाम की फाइल क्रिएट की है, और इस फाइल का डेटा देखने के लिए कैट कमांड यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप विशु फाइल के अंदर जी एडिट टेक्स्ट एडिटर के द्वारा एडिटिंग करना चाहते हैं, तो जी एडिट टेक्स्ट एडिटर को ओपन करने के लिए हमारे पास दो से तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है, टर्मिनल पर ही जी एडिट टाइप कीजिएगा और एंटर की प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप टर्मिनल पर जी एडिट टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं, तो दोस्तों यहां पर आपके सामने जी एडिट टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाता है। ठीक है, इसके द्वारा एडिटिंग करने के लिए यहाँ पर आप ओपन पर क्लिक कीजिएगा, और उस फाइल का पाथ प्रोवाइड करो जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर विशु नाम की फाइल का पाथ दीजिएगा, और यहाँ पर जो भी आपको एडिटिंग करनी है वो आप कीजिएगा और सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये होता है दोस्तों जी एडिट टेक्स्ट एडिटर। इसे ओपन करने के लिए सबसे सिंपल मेथड होता है, टर्मिनल पर जी एडिट टाइप कीजिएगा, एंटर की प्रेस कीजिएगा, तो आपका जी एडिट टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाता है। या फिर दोस्तों, अगर आप टर्मिनल से ओपन नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप एप्लीकेशन एक्सेसरीज के अंदर जाइएगा, और यहां पर भी आपके सामने डिस्प्ले होता है जी एडिट टेक्स्ट एडिटर, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहां से भी दोस्तों आप जी एडिट टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं और किसी भी फाइल के अंदर एडिट और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही। बाकी हम लोग वीआई और विम टेक्स्ट एडिटर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू रखेंगे। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा, तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारे वीडियो दोस्तों
मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का।